हाँ, ये इस लाइनेक्स के बेसिक कमांड्स के पार्ट 3 में, इस लाइनेक्स वीडियो के बेसिक कमांड्स के पार्ट 3 में हम देखते हैं कुछ और कमांड्स, जिनमें से कि हमारा एक कॉपी है। तो कॉपी का क्या यूज़ है? कॉपी के लिए बेसिकली इसमें सीपी टाइप करना होता है हमें। सीपी का मतलब कॉपी से ही होता है। और आप देख सकते हो, कॉपी चलाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा आप किसे कॉपी करना करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलएस करके देखना है। आप देख सकते हो कि बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिनमें से ABCD इस टाइप की कुछ फाइल्स हैं। तो मैंने क्या किया, सीपी स्पेस, सपोज करो मुझे ABC नाम की जो फाइल है उसे कॉपी करके मुझे डेस्कटॉप पर डालना है। तो देखिए, यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट चलता है कि अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप यानी डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दूंगा तो ABC मेरी एज इट इज आ जाएगी। ये देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे, जैसा कि आप उनको एम में आपने MV में देखा था, डेस्कटॉप के अंदर आप की क्लिक एंटर कर देते हो तो आप देखते हो कि देख सकते हो कि वो की नाम से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जैसा कि आपका MV कमांड में था, सेम कंसेप्ट इसमें आप डेस्टिनेशन में फाइल का नाम भी डालोगे तो फाइल रीनेम हो जाएगी, डेस्टिनेशन फाइल का नाम नहीं डालोगे तो ओरिजिनल नेम के साथ में वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसकी खास बात क्या थी, इसे आप एलएस के थ्रू देख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ से ABC को कॉपी किया तो यहाँ पे भी अवेलेबल है वो, और वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसका इस्तेमाल सीपी का। अगर आप देखना चाहो CP-I का इस्तेमाल, तो CP-I को दे लिए दे क्या है, देखिए CP-I से क्या होगा, वो ओवरराइट करने से पहले हमसे पूछेगा और हम क्या कर देंगे, अगर यस कर देंगे तो वो ओवरराइट करेगा। लेकिन मैंने वही बात बताई कि एम चाहे वो आपका MV हो या CP हो, इनमें आई जो है इनबिल्ट काम करता है। अगर आप आई नहीं भी लगाओगे तो भी वो क्या करेगा, ओवरराइट करने से पहले आपसे पूछेगा। तो आप जिसको आप वेरीफाई विच कमांड से भी आप कर सकते हो, कि आप देख सकते हो CP जो है CP-I के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली। एक है आपका, सपोज करो आप करेंट लोकेशन पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ, MKDIR से मैंने NF या न्यू FLDR नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। CD करके न्यू FLDR में मैं गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, टच स्पेस AQ स्पेस QW स्पेस QWR, या इतनी फाइल मैंने यहाँ पे बना दी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इतनी सारी फाइल बना दी है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चला दूँ CP स्पेस स्टार स्पेस डेस्कटॉप, इसका मतलब क्या है, ये पूरा मैंने बात दे दिया उसका। इसका मतलब ये है कि फिलहाल जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से ही, वहाँ पे अवेलेबल जितनी फाइल या फोल्डर होंगी वो सभी को कॉपी करेगा। स्टार का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल से होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या, GHQ QW QWE और SD, ये इन सारी फाइलों को कॉपी करके डेस्कटॉप पर डालेगा। जैसा कि आप देख भी सकते हो, इतनी सारी फाइल जो है डेस्कटॉप पर आ चुकी हैं। सेम कहानी हमारी RM में भी चलती है कि जैसे आप क्या करो, आप जैसे डेस्कटॉप के अंदर गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में आपने क्या किया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद में आपने क्या किया, RM स्पेस स्टार या RM-F, क्योंकि वो आपको पता है कि डिलीट करने से पहले पूछता है, RM-F स्टार लगा दिया। तो ये क्या करेगा, डेस्कटॉप पे जितनी अवेलेबल फाइल थी सभी के सभी को इसने हटा दिया। तो ये थी बेसिकली कॉपी से रिलेटेड। अब देखिए, चलिए हम कुछ और कमांड्स का भी देखते हैं। तो कमांड्स में सबसे पहले है हमारा क्या है, क्लियर। क्लियर से हमारी जो स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो साफ हो जाएगा, बट हम उसे देखना चाहते हैं। तो हिस्ट्री कमांड है हमारे लिए, हिस्ट्री कमांड से आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने जितनी भी कमांड अब चलाई हैं उन सब के बारे में बता रहा है कि मैंने कौन कौन सी कमांड अभी तक चलाई हुई है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। सपोज़ करो आपको ये वाली कमांड या कोई भी ये 100 नंबर वाली कमांड आपको रिपीट करनी है, तो आपको इस कमांड को पूरा लिखने के बजाय आप इसे एक्सक्लेमेटरी का साइन
एंड 100 भी आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा, 100 नंबर वाली कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस क्लियर कमांड चले तो आप क्या कर सकते हो, एक तो एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा के 110 लिख सकते हो या फिर सी लिख सकते हो। तो सी का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे सी से स्टार्ट होने वाली कमांड को पढ़ेगा, लेकिन ये बॉटम से टॉप की साइड जाता है ना कि टॉप से बॉटम की साइड। तो सबसे पहले हिस्ट्री में तो आप देख रहे हो कि सी से स्टार्ट है नहीं, तो ये क्लियर को ही चलाएगा। अदरवाइज आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर सी डी का नहीं चली, तो बैक आप ये क्या है, इसे बॉटम टू टॉप की साइड देखता है। तो आप देखोगे क्लियर कमांड चल गई, ठीक है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करोगे, हिस्ट्री स्पेस माइनस सी कर दोगे, एल एस करके देखोगे, सॉरी हिस्ट्री अगेन कमांड चलाओगे तो वो बता रहा है कि लास्ट के मैंने जो दो कमांड चलाई है। जैसे आप हिस्ट्री माइनस सी कर दोगे और अगेन हिस्ट्री चलाओगे तो वो बताएगा कि अभी आपने जो कमांड चलाई है वही हमारी लास्ट हिस्ट्री है और उससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, एक लॉगिन स्क्रिप्ट होती है इसमें, या लॉगिन मैसेज जैसे बोल सकते हो, और एक होता है लॉगआउट मैसेज। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि लॉगिन और लॉगआउट मैसेज होता क्या है। हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आए और मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉगआउट की कमांड चला दी। तो आपने देखा कि लॉगआउट करने पर जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर रिलीज, ये क्या है, मेरी लॉग आउट मैसेज या लॉग आउट स्क्रिप्ट। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, और मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट हाँ इसके पहले मैं आपको लॉग इन स्क्रिप्ट भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं लॉग इन होता हूँ यहाँ पर रूट से यूज़र से, और जो भी मुझे दिखा यानी नथिंग, तो ये क्या था मेरा लॉग इन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तो एक जस्ट सिंपल एक लॉग है जो आप लास्ट लॉग इन वाला देख रहे हो, उसके अलावा लॉग इन स्क्रिप्ट मेरी कुछ नहीं है। आप इन दोनों चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, देखिए आपने क्या किया, कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस लेस ईटीसी के अंदर इशू, ये कमांड है, इसको आपने ये लिख दिया दिस इज अ लॉग इन स्क्रिप्ट। वो मैंने क्यों लिखी कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि इशू जो है हमारा वो लॉग इन स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। एंटर मार के कंट्रोल से इसे सेव कर दिया, और लॉगआउट के लिए मैं क्या कर दूंगा स्लैश ईटीसी के अंदर एमओटीडी एमओटीडी चलाया और मैंने लिख दिया दिस इज अ लॉगआउट स्क्रिप्ट, और कंट्रोल डी से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। चलिए मैं इसे लॉगआउट करके देखता हूँ जिससे कि आपको पता लगेगा लॉग आउट स्क्रिप्ट होती गया। तो आपको देख सकते हो मैंने लॉग आउट कमांड चलाई तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज अ लॉग इन स्क्रिप्ट, और मैं लॉग इन करके देखता हूँ तो दिस इज अ लॉग आउट स्क्रिप्ट। ओके, ये बेसिकली उल्टा हो गया। मुझे क्या करना चाहिए था, एम ओ टी डी के अंदर मुझे क्या लिखना है, दिस इज एम ओ टी डी लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए भी सही रहेगा। लॉग आउट करने पे क्या है, देख रहे हो कि एम ओ टी डी क्या है, लॉग इन स्क्रिप्ट बोली जाती है। आप देख सकते हो एम ओ टी डी क्या है, लॉग इन स्क्रिप्ट है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि एम ओ टी डी वाली फाइल में जो भी आप डालोगे वो लॉग इन करने के टाइम पे आएगा, और इशू के अंदर जो भी फाइल डालोगे वो लॉग आउट करने के टाइम पे आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लॉग इन और आपकी लॉग आउट स्क्रिप्ट कौन कौन सी होती है। उसके अलावा मैं आपको कैलेंडर बताता हूँ, कैलेंडर आप चाहो इसी पर देख सकते हो सी ए एल, मैंने सी ए एल लिख के एंटर मार दिया तो ये मुझे करेंट मंथ का कैलेंडर बता देगा, ठीक है। अगर मुझे पूरे ईयर का कैलेंडर देखना है तो आप क्या कर सकते हो, सी ए एल स्पेस 2015, इससे आप देख सकते हो कि कुछ जो कैलेंडर है वो ऊपर चला गया। आप इसे शिफ्ट पेज अप के बटन से आप ऊपर ले जाके इसे देख सकते हो, शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट डाउन पेज डाउन से, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई स्पेसिफिक मंथ का देखना है तो आप क्या लिख सकते हो, कैल स्पेस
सपोज करो आपको जैन का देखना है, और वो भी 1950 का, तो ये वो भी बता देगा कि 1950 में जैन का कैलेंडर कैसा था। तो आप लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपको ग्राफिक का आ सकते हो। तो ये था हमारा कैलकुलेटर का। आप क्या कर सकते हो आगे, यहाँ पे आपने एक कमांड चलानी होगी BC। BC क्या होता है, बेसिकली बेसिक कैलकुलेटर होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ इसका रेस्पॉन्स नहीं आया है, बट हमें बता रहा हूँ आपको किस तरीके से यूज़ करना है। आप लिखोगे आप BC एंटर एंड 2 + 2, एंटर करोगे 4 आ गया, बस इसका इतना ही यूज़ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेसिक कैलकुलेटर इसका। इसे यहाँ से बाहर आने के लिए पूरा क्विट लिख के एंटर करना पड़ता है। उसके अलावा क्या है, मेरा W W से मुझे पता लग जाएगा कि फिलहाल मेरा कौन कौन सा यूज़र कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। तो मैं फिलहाल देख सकता हूँ कि मेरे जो रूट यूज़र है वो 3 जगह पे लॉग इन है, एक पहले टर्मिनल पे, एक दूसरे टर्मिनल पे, और एक ग्राफिक्स में। तो आप देख सकते हो कि 3 जगह पे फिर मेरा रूट यूज़र लॉग इन है। बट फिलहाल मैं देखना चाहता हूँ मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो कैसे है। W लिख के एंटर UMI लिख के एंटर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फिलहाल आप रूट यूज़र से काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए बाकी इसका आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।